डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका रुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में आयोडीन के बारे में बात करने जा रही हूँ। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन के बाद आयोडीन खनिज लवण हमारे शरीर में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण होता है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन का एक मुख्य अवयव होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये आयोडीन युक्त प्रोटीन है, अर्थात यह जो हार्मोन बना हुआ है इसमें आयोडीन भी है और प्रोटीन भी है, यानी यह हार्मोन जो है यह एक आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। भोजन में आयोडीन न होने से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है और इस स्थिति में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए थायराइड ग्रंथि को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। वहां की कोशिकाएं जो होती है वह कार्य करने के लिए और विभाजित होती रहती है, जिससे उन कोशिकाओं की संख्या यानी कि नंबर बढ़ते हैं, साथ ही साथ उनका आकार भी बढ़ जाता है। जब आयोडीन जो है, क्योंकि वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पा रहा है, इस कारण से उसको अधिक कार्य करना पड़ रहा है उसको बनाने के लिए, या कह दें कि हम बढ़ रहा है, और इसी कारण से वहां के सेल के नंबर्स भी बढ़ने लगते हैं और साइज भी बढ़ने लगती है। सामान्य दशा में जो है थायराइड ग्रंथि का वजन केवल 25 ग्राम होता है, परंतु जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो रही है और उसे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना है इस वजह से, तो वो साइज में जब बड़ी होने लगती तो उसका वजन जो है 25 ग्राम से अधिक हो जाता है, जो कि करीब 200 से 500 ग्राम तक हो जाता है। फलतः रोगी के गले के पास गांठें दिखाई देने लग जाती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः 25 मिलीग्राम आयोडीन उपस्थित होता है, जिसमें से 10 मिलीग्राम जो आयोडीन होता है वह थायराइड ग्रंथि में उपस्थित रहता है और शेष जो आयोडीन बचा है वह आयोडीन रक्त के अंदर या अन्य ऊतकों में विद्यमान रहता है। अब हम बात कर रहे हैं आयोडीन के कार्य की, फंक्शंस ऑफ आयोडीन, कि हमारे शरीर में आयोडीन क्या कार्य करता है, किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है आयोडीन का हमारे शरीर में, वो है शारीरिक वृद्धि और विकास के अंदर। आयोडीन जो होता है बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण होता है। इसकी कमी के कारण से बालकों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो होती है वो रुक जाता है। बच्चा जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ और कमजोर हो जाते हैं। बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। बड़ों में जब कभी भी आयोडीन की कमी होती है, तो जब अभी हम कमी की बात करेंगे तब आएगा कि उनके अंदर मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। अब हम इसका सेकंड फंक्शन देखते हैं, तो इसका जो सेकंड फंक्शन है आयोडीन का, वह है आधारीय उपापचय की दर। आधारीय उपापचय की दर जो होती है वो आयोडीन के द्वारा नियमित और नियंत्रित करी जाती है। जब कभी भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आधारीय उपापचय की दर भी कम हो जाती है, यानी कि जो एनर्जी का कंजम्पशन है या यूज है वो कम हो जाता है, और इसी कारण से जब भी आयोडीन की कमी होती है और उपापचय की दर कम होती है तो व्यक्ति मोटा होता चला जाता है। अब है प्रोटीन यौगिक थायरोग्लोबुलिन एवं थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आयोडीन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है आयोडीन का मानव शरीर में, कि वह मांसपेशियों के संकुचन को नियमित एवं नियंत्रित करता है,
गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती है स्पेशली, उसके संकुचन को यह नियमित और नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फंक्शन है आयोडीन का, ताप को नियंत्रित करना। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, वह जो है कहीं हद तक आयोडीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसलिए जब आयोडीन का इम्बैलेंस होता है या असंतुलन होता है तो व्यक्ति को अधिक ठंड या गर्मी लगने लगती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कुछ हद तक नियंत्रित करने का कार्य भी आयोडीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस को अवक्षेपित करने का कार्य भी आयोडीन के द्वारा ही हमारे शरीर में किया जाता है। अर्थात आयोडीन जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज लवण है, जो कि हमारे शरीर में कई सारे कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है। इसका अंतिम कार्य है कोशिकाओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी जो होने वाले परिवर्तन है उनको नियमित करना व क्रमिक बनाने में यह मदद करता है। आयोडीन जो है, जब भी हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, क्या इसके स्रोत हैं, यह अब हम देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आयोडीन प्राप्ति के साधन पर या सोर्सेज ऑफ आयोडीन पर। जिन स्थानों की जो पानी है या भूमि है जहां पर कि अच्छी मात्रा में आयोडीन प्रेजेंट है, तो ऐसी मिट्टी में जो पौधे पनप रहे हैं या पेड़ पनप रहे हैं, उनसे प्राप्त जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी आयोडीन जो है अच्छी मात्रा में विद्यमान होता है। इसी प्रकार से जो समुद्र है उसके पानी में आयोडीन प्रेजेंट होता है। अतः जो समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, जो समुद्री नमक है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। साथ में समुद्री जो जीव जंतु है या वहां की जो वनस्पति है उसमें भी आयोडीन प्रेजेंट होता है। अर्थात समुद्री नमक व समुद्री जो मछलियां या वनस्पतियां हैं वह आयोडीन प्राप्ति के अच्छे स्रोत होते हैं। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन का एक मुख्य स्रोत होता है। आयोडीन की मात्रा 1 ग्राम नमक में करीब 76 माइक्रोग्राम होती है। अब हम बात कर रहे हैं गोइट्रोजेंस की। गोइट्रोजेंस वह तत्व होते हैं जो शरीर में आयोडीन के अवशोषण में बाधा डालने का कार्य करता है। अर्थात जब भी यह फूड स्टफ में प्रेजेंट है तो उस कंडीशंस में आयोडीन जो फूड स्टफ में प्रेजेंट है उसका यह अवशोषण नहीं होने देगा और हमारे शरीर को आयोडीन जो है हम खा तो रहे हैं पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यह तत्व यानी गोइट्रोजेंस जो है वो पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों, शलगम, मूली आदि में उपस्थित होता है। इसके अलावा तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन आदि में भी प्रेजेंट होता है। तिलहन का मतलब तेल युक्त बीज जिसमें से तेल निकाला जाता है। इसलिए हमें खाद्य पदार्थों को जब पका के काम में लेते हैं या कुक जब करते हैं तो ये गोइट्रोजेंस जो है वो नष्ट हो जाते हैं और जो उसमें आयोडीन प्रेजेंट है वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है और उसको काम में ले लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कमी के प्रभाव की या इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी की। जब कभी भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से गेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। जब भोजन द्वारा आयोडीन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन के स्रवण हेतु अधिक कार्य करना पड़ता है और जब इसको अधिक कार्य करना पड़ता है तो मानव में गेंगा रोग हो जाता है। जैसा कि इस चित्र में बताया है कि फर्स्ट वाले में गले में थायराइड ग्रंथि दिखाई, उसकी साइज काफी छोटी है और सेकेंड वाले में वो साइज बड़ी हो गई है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं जो है निरंतर विभाजित होती रहती है और ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप ले लेती है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है
और इसको बनाने के लिए जो है वहां की कोशिकाओं के नंबर भी बढ़ने लगते हैं और साइज भी बढ़ जाती है, यानी वो निरंतर विभाजित होगी, है ना। तो ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप ले लेती है। आयोडीन युक्त जब हम आहार लेते हैं तो यह रोग दूर हो जाता है, पर ऐसा एक स्टेज आती है बच्चों जब बहुत लंबे समय तक आप आयोडीन नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है, उस स्टेज पे जाके ये रोग स्थायी हो जाता है और वापस हम उल्टा नहीं आ पाते, मतलब इस रोग को ठीक नहीं कर पाते और ये गांठ हमेशा के लिए रह जाती है। इसलिए समय पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ग्रंथि का आकार जब बहुत अधिक बढ़ने लग जाता है, उस कारण से यह जो हमारे गले में जो श्वास नली होती है उसको भी दबाने लग जाता है और इस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। दूसरा रोग है क्रिटेनिज्म। यह रोग बच्चों में देखने में आता है। जब कभी भी प्रेगनेंसी के समय या गर्भकाल के दौरान मदर्स जो है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं कर पाती है, उनकी डाइट में आयोडीन की कमी हो गई है, ऐसी कंडीशन में उन बच्चों को क्रिटेनिज्म नामक रोग हो जाता है। बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वह रुक जाता है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। साथ में बच्चे की जो लंबाई होनी चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है, यानी उसकी लंबाई काफी कम रह जाती है। उस बच्चे की उपापचय दर कम हो जाती है, तो नेचुरल उपापचय की दर कम हो गई है, यानी बेसल मेटाबॉलिज्म जो आपको एनर्जी में पढ़ाया था वह कम हो गया है, तो उसको भूख भी कम लगती है। भूख कम लगती है तो वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। साथ में उसकी जो मसल्स हैं वो कमजोर और दुर्बल हो जाती है। त्वचा जो होती है बच्चे की वह सूखी, खुरदरी, मोटी हो जाती है, मतलब रफ सी स्किन हो जाती है और साथ में थिक भी हो जाती है। जीभ का आकार बढ़ जाता है, होंठ जो होते हैं वह मोटे हो जाते हैं, साथ में बाल जो है चमकहीन, रुक्ष और कड़े हो जाते हैं। मिक्सीडीमा इसका तीसरा रोग है। यह रोग वयस्कों में होता है जिनके आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता है। इस कारण से व्यक्ति के शरीर में सूजन आ जाती है, उसको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। इस कारण से व्यक्ति सुस्त, आलसी, उत्साहहीन, थका हुआ सा दिखने लग जाता है। क्योंकि आयोडीन हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, इसलिए शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, उसको गर्मी में भी ठंड का अनुभव होने लगता है, उसके बाल कमजोर होके झड़ने लग जाते हैं, आवाज जो होती है मोटी या भारी हो जाती है। साथ में फिजिकल वर्क के साथ साथ जो ब्रेन के वर्क होते हैं, मस्तिष्क के कार्य होते हैं, उसमें भी शिथिलता आ जाती है। शरीर की मांसपेशियां कमजोर और दुर्बल हो जाती है, त्वचा खुरदरी और क्रांतिहीन या रुक्ष हो जाती है। उपापचय की दर कम होने के कारण से व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है। क्यों मोटापा बढ़ गया? क्योंकि उसकी उपापचय की दर कम हो गई है, तो नेचुरली उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है और इस कारण से उसका मोटापा बढ़ने लग जाता है। अब हम बात कर रहे हैं एंडेमिक गोइटर की। गोइटर यानी गैंगा या गलगंड रोग, उसके आगे एक वर्ड लग गया है एंडेमिक। तो व्हाट इज एंडेमिक? तो बच्चों ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर की आयोडीन की कमी पाई जाती है वहां के फूड स्टफ में, तो वहां के जो लोग होते हैं उनमें यह रोग कॉमनली देखने में आ जाता है, गोइटर का रोग। यानी ऐसे प्रदेश या ऐसा एरिया जहां पर काफी सारे लोगों को एक साथ जब कोई रोग देखने को मिलता है तो उसके आगे एंडेमिक वर्ड लग जाता है। यानी उन प्रदेशों के निवासियों को जिनके आहार में आयोडीन की मात्रा कम होती है, उन्हें गलगंड होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनको आहार में आयोडीन किसी न किसी फॉर्म में दिया जाना बहुत जरूरी हो जाते हैं। और जो कि चार तरीके यहाँ पे बताए हुए हैं कि नमक में आयोडाइड या आयोडेट फॉर्म में आयोडीन को मिलाया जाए, ब्रेड में भी हम आयोडीन को आयोडाइड या आयोडेट फॉर्म में मिला सकते हैं, या फिर सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां खाने को दे सकते हैं,
फोर्थ ऑप्शन होता है आयोडाइज्ड तेल का सेवन करना, यानी उस ऑयल के अंदर आयोडीन मिला हुआ है। पर सबसे सिंपल और आसान तरीका जो सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है वो है नमक में आयोडीन का मिलाया जाना, यानी नमक में जो चीज इजीली मिल जाती है और हमें आयोडाइज सॉल्ट को कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली एनेमिक गॉइटर वाले लोगों को इस तरीके का नमक यूज करना चाहिए। दैनिक आवश्यकता या डेली रिक्वायरमेंट, आईसीएमआर या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसकी आरडीए नहीं दी गई है आयोडीन की, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो फूड स्टफ हम ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में आयोडीन होता है और जनरली कमी नहीं होती है, और जिन लोगों को होती है कमी तो नमक के द्वारा इस कमी को पूर्ण किया जाता है। फिर भी जब हम इसकी दैनिक आवश्यकता देखते हैं तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति, उसकी जो आयोडीन की आवश्यकता है वो 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है। जो 1 वर्ष का शिशु है वह जो है अपने माता के दूध के द्वारा इस आयोडीन की आवश्यकता को पूरा कर लेता है, और उन शिशुओं के लिए जो आवश्यकता है वो 40 से 50 माइक्रोग्राम तक होती है। इसी प्रकार से 1 से 10 साल तक का जो बच्चा है उसकी आयोडीन की आवश्यकता करीब 70 से 120 माइक्रोग्राम होती है। यह जो आवश्यकता है गर्भावस्था के समय और धात्री मात्राओं में बढ़ जाती है। गर्भावस्था में यह आवश्यकता बढ़कर 175 माइक्रोग्राम हो जाती है, जबकि धात्री माताओं में इसकी आवश्यकता 200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है। इसके साथ ही हमारा जो आज का ये टॉपिक है कि आयोडीन क्या है, क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, क्या इसके सोर्सेज हैं, इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारियां हो जाती है और क्या इसकी दैनिक आवश्यकता है, यह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।